देश दुनिया में कोरोना का खतरा, भारत में एक साल में ओमिक्रोन के 300 वेरिएंट मिले, चीन ने बॉर्डर खोले, क्वारंटाइन खत्म। चीन में कोरोना के बढ़ते मामले के साथ ही भारत, जापान, थाईलैंड और अमेरिका जैसे देशों में भी नई लहर का खतरा मंडराने लगा है। इस बीच चीन से 3 साल से बंद सभी बॉर्डर्स को खोल दिया गया है। रविवार को हांगकांग और मेनलैंड चाइना के बीच यात्रियों की आवाजाही हुई। इन लोगों के लिए आइसोलेशन जैसा बड़ा प्रोटोकॉल भी खत्म कर दिया गया है। इधर भारत में कोरोना के नए सब वेरिएंट मिलने से संक्रमण फैलने का जोखिम बढ़ता जा रहा है। INSACOG के चेयरमैन डॉक्टर एन के अरोड़ा ने बताया कि पिछले एक साल में देश में ओमिक्रोन के 300 सब वेरिएंट मिल चुके हैं। हालांकि इनमें से एक भी हमारे लिए बड़ा खतरा साबित नहीं हुआ है। ऐसा भारतीयों में हर्ड इम्यूनिटी विकसित होने की वजह से हुआ। भारत में पिछले एक हफ्ते में कोरोना के 1377 मामले सामने आए हैं, वहीं 16 लोगों की मौत हुई है। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक अभी 2509 एक्टिव केस हैं। शुक्रवार को 214 नए कोरोना केस सामने आए, वहीं 4 लोगों की मौत हो गई। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।